कि ये जो सरकार है ईवीएम की नाजायज सरकार है। जब तक ईवीएम आके ना कह दे चुनाव आयोग से कि मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, तब तक चुनाव आयोग यकीन नहीं करेगा। ये जो तानाशाह सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, ये डिटेन करेंगे। सरकार के खिलाफ कोई ना बोले, अगर बोलेगा तो उसको जेल में भर देंगे, उनके डंडा पड़ेगा। तो यही तो नीति है। ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें जान से गोलियां मार देंगे, तो हम कहां आवाज उठाएं। लेकिन आज जबरदस्ती क्या दिखाया जा रहा है कि सरकार हमारी मालिक है। अबे सरकारी हम है, मालिक ही हम है, तुम कौन होते हो अबे? तो ये भी चंद दिनों के मेहमान है। जब जनता जागेगी तो इनको तो भागने को भी कम पड़ेगा जगह। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम भी है ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर प्रदर्शन जारी है। कल पटियाला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के दो वकील जो थे उनको डिटेन कर लिया गया था इसी के चक्कर में। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है कलीम शेख। जिस तरीके से ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों, क्या हो गया ऐसा ईवीएम में? क्योंकि अब जनता को समझ में आने लगा है कि ये जो सरकार है ईवीएम की नाजायज सरकार है। ईवीएम की नाजायज सरकार है, कैसे? कैसे कि हमने जिसको भी वोट देते हैं, हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा। तो मतलब आपको लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी देखी जा सकती है? गड़बड़ी नहीं है, ये जो छेड़छाड़ है। जब तक ईवीएम आके ना कह दे चुनाव आयोग से कि मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, तब तक चुनाव आयोग यकीन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। नहीं तो ईवीएम क्या, एसबीआई के डेटा से हैकिंग हो रही है, ये एसबीआई को हैक कर दिया जा रहा है, ईवीएम क्या कितना सुरक्षित हो सकता है आप बताइए? मतलब ईवीएम हैक करना इतना आसान है कि ईवीएम हैक करके पूरी सरकार ही बन जाती है? क्योंकि देखो सौरभ भारद्वाज ने बताया भी था ना बकायदा विधानसभा में, लेकिन चुनाव आयोग का गठबंधन ही भाजपा से है तो कहाँ से वो इस पर ये करेगी? जो भी सवाल उठा रहा है उसे डिटेन कर लो। तो आज यहाँ भी आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों को भी तो ऐसे ले जाया जाएगा डिटेन करके? डर नहीं है क्योंकि हमारे परदादा जब गोरों से नहीं डरे थे, हम चोरों से क्यों डरेंगे? हमने हाँ बोला जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो क्या लग रहा है मतलब सरकार पे ये जो सूचनाएं जा रही होंगी सभी चीजें देख रहे होंगे, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे? नहीं कराए जाएंगे तो इनको हम ये दौड़ाए जाएंगे, तब तो कराएंगे ना। आपको पता है ना, ये देखिए क्या होता है कि जब जनता जागती है ना, तो हमने देखा है कि जब जनता जागती है तो प्रधानमंत्री भागता है, गोटाबाया राजपचे, महिंद्रा राजपचे एग्जाम्पल है। तो ये भी चंद दिनों के मेहमान हैं, जब जनता जागेगी तो इनको तो भागने को भी कम पड़ेगा जगह, क्योंकि हम जनता ही जो है जनार्दन है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, कोई सीएमपीएम हमारा मालिक नहीं है। लेकिन आज जबरदस्ती क्या दिखाया जा रहा है कि सरकार हमारी मालिक है। अबे सरकारी हम है, मालिक ही हम है, तुम कौन होते हो अबे? तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आज फिर से ईवीएम हटाने को लेकर लोग सड़कों पर है, क्योंकि देखिए थोड़े थोड़े संख्या में उतर रहे हैं ना, जब पूरी जनता उतरेगी तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो मतलब क्या लग रहा है इससे फिर से सरकार सुन पाएगी कि नहीं सुनेगी? सरकार कभी सुनती है तो बताइए, किसानों का सुना नहीं, जवानों का सुना नहीं, पहलवानों का सुना नहीं, छात्रों का सुना नहीं, महिलाओं का सुना नहीं, छात्राओं का सुना नहीं, तो कहाँ से सुनने वाली है? अब इनका एक ही इलाज है, वही इलाज है, अब इनको जो है अपने संवैधानिक तरीके से समझाया जाए। सरकार जो है जनता से बनती है और वही जनता सड़कों पर नजर आ रही है। जनता ने सबको, सरकार ने जनता को सड़कों पर ला ही दिया है। जो बेरोजगार रोजगार पर थे वो बेरोजगार हो गए, जो काम धंधा था वो भी मंदा हो गया, तो सबको तो रोड पे ला दिया, कोई बचा है? देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सरकार है उसने लोगों को रोड पे ला दिया है। और यहाँ पे हमारे साथ दुआ जी भी मौजूद है, इनका भी सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा ईवीएम जो हैकिंग में बताया जा रहा है? देखिए हमारा लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में हमें आवाज उठाने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन इसे भी रोकने के लिए आज जंतर मंतर जहां जनता अपनी आवाज रखती है उसे भी आज जलियांवाला बाग इधर से बैरियर उधर से बैरियर चारों तरफ से रोक दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम मुजरिम हैं, हम देश के जो कहीं ना कहीं हम झूठे लोग हैं, हम आतंकवादी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें जान से गोलियां मार देंगे तो हम कहां आवाज उठाएं। ये जंतर मंतर पे अपने लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने का जो अधिकार है उस आवाज उठाने के लिए और ईवीएम में जो गड़बड़ी है, जो ये सारा हमारे लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं और बेच रहे हैं, ये जो है इसको हटाने की अगर हमारे कुछ साथी वकील और हमारे सारे संगठन के लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका हमें साथ देना चाहिए। लेकिन आज यहाँ अगर पकौड़ी कचौड़ी खाना हो तो लाखों की भीड़ हो जाती है और राजनीति करना हो तो लाखों की भीड़ होती है, लेकिन जो मांग ओरिजिनल है और उस पर बात करते हैं तो आज हम चंद लोग दिखते हैं। तो ये हमें पटियाला कोर्ट में एक मार्च निकाला जा रहा है जिसमें दो वकील तक को डिटेन कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि हम शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, फिर भी उनको पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया। वो देखिए, एक वहाँ पे पुलिस डिटेन करती है क्योंकि वो चाहती है कि जन आंदोलन ना हो, आवाज़ ना उठाएं हमारे, वो चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमें वहाँ पे भानु प्रताप और महमूद प्राचा जी को चाहिए था कि सारे कोर्ट में नोटिस दे करके सबको बुलाते। आज हम 46,000 वकील हैं दिल्ली के अंदर, अगर हम 100-200 वकील होते तो आज वो जो डिटेंशन हुआ था वो नहीं होता और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ करके हम इलेक्शन कमीशन जा सकते। लेकिन अगर हम चुपके से काम करेंगे, लोगों की जनाधार नहीं लेंगे, सरकार भी वही कर रही है, रात में सपना देखती है, सुबह में अध्यादेश पास कर देती है, कानून एन प्रकान ले आती है, उसी तरह से अगर हमारा आंदोलन भी रहेगा तो असफल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुसंख्यक लोगों को जागृत होकर करके हमें ईगो अपना जो अहम है उसको बाहर निकाल करके हम तमाम लोग मिलकर करके आवाज़ दें कि हम अपने लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चाहिए, तो हम जीत हमारी निश्चित होगी। लेकिन हमारे बीच में कुछ कमी है और यही वजह है कि आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तुम असंगठित रोग हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, और ये कमी हमें महसूस हो रही है और उसे हमें दूर करना होगा। हम सब एक हैं और एक मिल कर करके सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ईवीएम को लेकर लगातार जो प्रदर्शन करते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, मतलब जो भी आवाज उठाता है उनको पकड़ लिया जाता है। आपको नहीं लग रहा आज यहाँ पे आए हैं आप लोगों को कहीं डिटेन ना कर लिया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है, अरेस्ट हमारे सोने के लिए आए हैं, हमारे सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार जो है, ये जो तानाशाह सरकार है, ये मनुबदी सरकार है, ये डिटेन करेंगे। सरकार के खिलाफ कोई ना बोले, अगर बोलेगा तो उसको जेल में भर देंगे, उनके पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा। तो यही तो नीति है, इसी को अघोषित जो है हम इसको इमरजेंसी कहते हैं। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की थी, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी मोदी जी ने ला करके हमारे अधिकारों का शोषण और हनन कर रहे हैं। ये सब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 2024 में क्या लग रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे? कुछ भी नहीं कह सकते, मोदी है तो मुमकिन है। मोदीत्व का जहां चल रहा है, युग चल रहा है, ये राम का युग तो झूठा ला रहे हैं, त्रेता तो झूठा ला रहे हैं, क्योंकि उनके आड़ में ये मोदीत्व ला रहे हैं, मोदी अपने को भगवान बन रहे हैं। लेकिन मैंने इसी पे कहा कि अगर आप मोदीत्व लाना ही चाहते हैं तो अयोध्या का मुख्य पुरोहित बनिए, मुख्य यजमान क्यों बन रहे हैं मेरे भाई? आपके पास पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, आप जो है पंडा को क्या चढ़ाएंगे? तो आप चढ़ाएंगे जनता का टैक्स, चढ़ाएंगे अपने कॉर्पोरेट अपने साथियों को टैक्स जो जनता का पैसा है। आप जो है सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उस पैसा कहां से आ रहा है? वो जनता का पैसा है और जनता का पैसा को आप लूट रहे हैं, तो उससे हमें बचने की जरूरत है। ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो भाजपा सरकार एक भी वोट नहीं ला पाती अपने खाते में, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। अन भक्तों की हमारे भारत में कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, और उनका जो वोट है उनको तो मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम मनुवादी में ही रहें, क्या हम
जो है सनातनी जो ये लाना चाहते हैं वर्ण वही रहें, क्या हम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएं, क्या अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया है जो मौलिक अधिकार दिया है उसके लिए आवाज नहीं उठाएं, जो 85 और 90% लोग हैं क्या अपने हक और अधिकार के लिए सत्ता में नहीं आए, हम उनकी ही गुलामी 1500 सालों से झेलते आए हैं और हमने मुगलों का अंग्रेजों की गुलामी झेलते आए हैं, आज भी हम गुलाम हैं और ये राम की नारा जो ले रहे हैं तो राम जी ने ही तो कहा था एक दिन कलयुग ऐसा आएगा हम चुनेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा, तो ये 56 भोग खाने वाले ये कौवे के टीम हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, त्रेता युग लाना चाहते हैं, द्वापर लाना चाहते हैं, सतयुग लाना चाहते हैं, लाइए हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन मेरा हक और अधिकार कहाँ है वो हम अब छीन लेंगे, मांगेंगे नहीं अब छीनेंगे, यही हमारी तैयारी। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आप पोस्टर देखिए राजनीतिक दलों सड़कों पर आओ ये भी पोस्टर लगा हुआ है, साथ में ईवीएम की धांधली बंद करो, लोकतंत्र की तिलांजलि बंद करो, साथ ही साथ तमाम ये पोस्टर लेके खड़े हुए ईवीएम को लेके कि ईवीएम बैन होना चाहिए क्योंकि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है तब भी जब भी चुनाव आते हैं और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कल जो मार्च निकाला जा रहा था शांतिपूर्वक निकाला जा रहा था लेकिन फिर भी जो दो वकील थे उसमें महमूद प्राचा और एक और वकील थे सुप्रीम कोर्ट के उनको डिटेन कर लिया गया, आज फिर से ईवीएम बैन करो को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन जारी है, अब देखते हैं क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी या नहीं, बाकी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।